वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वॉच द वीडियो टिल एंड एंड काइंडली लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज क्लास 9th इकोनॉमिक्स, मीन्स गरीबी एक चुनौती। किस तरीके से और किसके लिए? भारत के लिए हम बात कर रहे हैं कि गरीबी एक चुनौती की तरह है। अगर हम बात करते हैं वैदिक काल की, बहुत पुराने टाइम की एंशियंट हिस्ट्री अगर हम उठा के देखते हैं अपनी, तो हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मीन्स इतनी धन दौलत संपदा रिसोर्सेज से हम परिपूर्ण थे कि इसको पूरी दुनिया के दोस्त सोने की देश सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। लेकिन आज के टाइम में हम इंडिया के अंदर क्या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? पॉवर्टी, गरीबी एक चुनौती की तरह इंडिया के सामने खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? आपने हिस्ट्री पढ़ी जिसमें एंशियंट हिस्ट्री भी थी, मिडिवियल भी थी और मॉडर्न हिस्ट्री भी थी। आपने देखा कि इन्वेडर्स बाहर से आते थे, इंडिया को लूटते थे और चले जाते थे। कुछ एक ऐसे भी थी जो इंडिया के अंदर शासक बनकर रहे, उसके ऊपर राज भी किया, लेकिन फिर भी रिसोर्सेज को, वो इंडिया के रिसोर्सेज को क्या करते रहते थे, उसका एक्सट्रैक्शन करते रहते थे, उसको अपने देश में भेजते रहते थे। तो धीरे 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 इंडिया क्या होता चला गया? गरीब होता चला गया। और जो बची खुची कसर थी वो किसने पूरी कर दी? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। उन्होंने तो इंडिया को बिल्कुल ऐसे नोच के और सारा कुछ उसका जो अच्छा अच्छा एक्सट्रैक्शन था सब निकाल लिया और ब्रिटेन भेज दिया, अपने कंट्री के अंदर भेज दिया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने आजादी की खुशी के एवेज में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश की लगभग 90% पॉपुलेशन गरीब थी। इतनी गरीब थी कि उनके पास दो वक्त के खाने के लिए भोजन भी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था। तो तब से लेकर आज तक हम इस गरीबी की चुनौती से लड़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने आजकल के सिनेरियो की बात करते हैं। देख, ये तो मैंने बताया कि किस तरीके से भारत गरीब होता चला आया, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज के सिनेरियो में अगर आप अपने चारों तरफ एक बार अपने विजन को घुमाएं, इमेजिन करें कि क्या क्या सिचुएशन दिखाई देती है आपको, रिक्शा पुलर्स दिखाई देंगे, लैंडलेस लेबरर्स दिखाई देंगे, बेगर्स दिखाई देंगे, ऐसी सीन, मतलब नॉर्मेलिटी, हर चौथा पर्सन इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो गरीब की काउंटिंग में आता है, पुअर कहलाता है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि पॉवर्टी क्या है, कौन पुअर है, पॉवर्टी के डायमेंशंस मींस कौन कौन से इश्यूज हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, और क्या मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉवर्टी क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू गेट मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब यहाँ पे क्या कहता है कि पॉवर्टी का मतलब क्या है, कि कोई भी इंसान जिसके पास अपनी बेसिक एमिनिटीज, क्या होती है बेसिक एमिनिटीज, रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर काउंट किए जाते हैं, अगर वो उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज पुअर, और वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? पॉवर्टी कहलाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, नो फूड नो क्लोथ्स नो होम, अगर लोगों के पास भोजन भी नहीं है, खाने के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो गरीब कहलाएंगे। और गरीब पुअर किस तरीके से, किस डायमेंशन के बेस पे कहलाया जाएगा, देखते हैं। अ पर्सन विद लेस इनकम देन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर पुअर। एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है, एक गरीबी रेखा आप जिसको बोल सकते हैं डिसाइड की जाती है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वैसे तो अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी कंट्री के लिए अलग अलग डिसाइड करती है पॉवर्टी लाइन, लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलरली इंडिया के लिए लेकर चल रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट एक पैमाना तय कर देती है, इंडेक्स तय कर देती है कि इतनी इनकम अगर किसी की है तो वो अबाव, अगर इस, ये जो मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक पर्सन को रूरल एरिया के अंदर 816 रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से उसका अगर सॉरी मंथली उसका कंजप्शन अगर देखा जाए तो अपनी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये तय किया गया है कि 816 रुपए उसे मंथली अपनी
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाहिए होते। तो अगर एक पर्सन की इससे ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, और अगर नीचे है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। तो क्या कहता है, पर्सन विद लेस इनकम देन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड पुअर। पॉवर्टी लाइन से नीचे उसकी इनकम है तो वो पुअर कहलाएगा, और अगर ऊपर है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है तो वो रिच या मीडियोकर या एवरेज कुछ भी काउंट हो सकता है। ये पैमाना फिर आगे बढ़ता चला जाता है। पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये पॉवर्टी लाइन किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो यहाँ 1-1 मार्क क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाते हैं ये सारे, पॉवर्टी, पुअर एंड पॉवर्टी लाइन एंड हु डिसाइड पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है हाउ पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड। ये तो तय हो गया कि गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है, बट कैसे, किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया इसके लिए फॉलो किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है, फूड, क्लोथ और शेल्टर, और इनको पाने के लिए हमारे लिए उतना पैसा होना चाहिए। तो किस तरीके से ये निकाली जाती है, प्राइस ऑफ फूड प्लस क्लोथ्स, कपड़ों का, खाने का जितना खर्चा लगेगा महीने में कपड़े के लिए, होम, वाटर और अदर बेसिक नीड्स, जो छोटी मोटी जरूरतें मेडिसिन वगैरह इन सबको का सम टोटल, कि इनको खरीदने में कितनी अमाउंट लगेगी, उस सम टोटल को हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और सरकार ने क्या तय किया है कि एक मंथ में एक पर्सन को हर एक चीज पूरी करने के लिए एटलीस्ट कितने रुपए चाहिए, 816 रुपए। अगर मंथली उसकी इनकम इतनी है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, अदरवाइज वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाता है। तो क्या चीज, क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, हमारी जो बेसिक एम्यूनिटीज है उनके प्राइस का सम टोटल डिसाइड होके हम पॉवर्टी लाइन तय करते हैं। अब पॉवर्टी लाइन इंडिया के अंदर कैसे है, यहाँ हम बात कर रहे हैं 2011 और 12 के सर्वे के अकॉर्डिंग। ये 5 साल के लिए क्राइटेरिया किया जाता है तय कि पॉवर्टी लाइन 5 साल के लिए इतनी रहेगी। तो 11-12 के अंदर क्या था, यहाँ फर्स्टली हम रूरल एरिया की बात करते हैं कि एक पर्सन को, एक आदमी को मंथली 816 रुपए चाहिए। अर्बन एरिया में वही कितने चाहिए, 1000 रुपीज चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो नेचुरली रूरल एरिया में बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, कैटल रियरिंग वगैरह भी होती है, फार्मिंग में हम अगर एक मेन क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो अपने खाने के लिए भी कुछ ग्रो कर सकते हैं। अर्बन एरिया के अंदर हर एक चीज क्या करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, इसलिए रूरल और अर्बन का क्या है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर 5 मेंबर्स की एक फैमिली है रूरल एरिया में तो उसको 4080 रुपए मंथली चाहिए, और अर्बन एरिया में वहीं पर उनको 5000 रुपए चाहिए एक फैमिली के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इसका जवाब मैंने आपको दिया कि शहर में हर एक चीज कॉस्टली भी होती है, प्लस परचेज करनी पड़ती है, गांव के अंदर अपनी लोकेलिटी से भी नेचुरली भी कुछ चीजें हम ऑकर कर लेते हैं, दैट्स व्हाई जो शहरी एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका सर्वे कितने साल के लिए किया जाता है, पॉवर्टी लाइन का 5 ईयर्स के लिए किया जाता है, और इसका सर्वे कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यू विल गिव मी फुल फॉर्म इन कमेंट सेक्शन ऑफ NSSO, क्लियर, ओके। अब हम आगे चलते हैं कि सिर्फ ये तो तय हो गया कि हमें बेसिक एम्यूनिटीज ये चाहिए और उसके लिए इतनी कीमत हमारी मंथली लगेगी। अब ये भोजन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है कि एक हेल्दी बॉडी के अंदर इतनी कैलोरीज कंजप्शन के लिए जरूरी होती है, अगर बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर रूप से चलानी होती है। तो ये भी तय किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, कि एक हेल्दी पर्सन की कितनी होनी चाहिए। बट ये भी हमारी रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे था हमारा अमाउंट प्राइस जो अलग अलग थे, कि रूरल एरिया में पर पर्सन 816 है और अर्बन एरिया के अंदर 1000 है। तो यहाँ पे भी ये क्या कहता है, रूरल एरिया के अंदर एक पर्सन की पर डे कैलोरी कंजप्शन कितनी है, 2400 कैलोरीज, और वही अर्बन एरिया की कितनी है, 2100 कैलोरीज। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, अर्बन एरिया में प्राइस ज्यादा लग रहा है लेकिन कैलोरी कंजप्शन कम है, रूरल एरिया में प्राइस कम लग रहा है लेकिन कैलोरी कंजप्शन क्या है, ज्यादा है। ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि रूरल एरिया के पर्सन को ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, उनका जो
अगर आप कहें कि वर्किंग प्रोसेस होता है, मेनली फील्ड्स के अंदर होता है, कैटल रियरिंग होता है, इन सब के अंदर ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स की जरूरत होती है, तो बॉडी को कैलोरी कंजप्शन भी ज्यादा करना पड़ता है। और अर्बन एरियाज के अंदर क्या होता है, सारा दिन बैठ के चेयर पे ऑफिस में, टर्शियरी सेक्टर के काम ज्यादा होते हैं हमारे अर्बन एरिया में, तो यहाँ पे कैलोरी कंजप्शन कम होता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है। अब ये तो हो गया हमारा कि पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या कहती है। हमारा तो क्या था कि 816 रुपए है मंथली, तो ये हमारी पॉवर्टी लाइन है, इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कौन अमीर है कौन गरीब है, मीन्स कौन बिलो पॉवर्टी लाइन और कौन अबव पॉवर्टी लाइन है। लेकिन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, वर्ल्ड बैंक इसको तय करता है $1.90, आप कह सकते हैं 1.9 पर डे के हिसाब से। इतनी इनकम अगर किसी पर्सन की है तो वो अबव या बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से जज किया जाए, कम है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, इतनी या इससे ज्यादा है तो अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया गया है कि पॉवर्टी किस तरीके से ऑकर होती है इंडिया के अंदर। आपकी बुक के अंदर दो इंसिडेंट्स गिवन है, एक है रामसरण का जो कि झारखंड में रहता है और फ्लोर मिल के अंदर, आटा चक्की के अंदर वो काम करता है, और उसकी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स हैं। एक किराए के कमरे में वो रहते हैं सारे फैमिली मेंबर्स, और उसकी वाइफ भी थोड़ा बहुत काम कर लेती है घरों के अंदर, 800 रुपए महीना वो कमा लेती है, 1500 रुपए महीना तक रामसरण को हो जाती है इनकम अगर उसको काम अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर तो। और उस टोटल इनकम कितनी हो गई उनकी, 2300 रुपए हो गई। क्या 2300 रुपए में वो अपना किराया भी देना होता है, उनको दो टाइम का खाना भी उनको अवेलेबल कराना होता है, फैमिली के अंदर मेंबर भी 6 हैं, कम नहीं है, प्लस दो उसके पेरेंट्स हैं जो कि विलेज एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी उसे खर्चे पानी के लिए इस इनकम में से भेजना पड़ता है। तो कंडीशन क्या है, कुल मिलाकर प्लेट फुल है, मतलब दो टाइम का भोजन भी उन्हें भरपेट कभी कभार तो नहीं मिलता है। छोटी बेटी है उसकी 10 साल की, वो अपने छोटे सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को रखने का काम करती है, स्कूल तक किसी की कोई पहुंच नहीं है। इसका बड़ा बेटा भी ढाबा में हेल्पर के रूप में काम करता है। तो कुल मिलाकर अगर ये चाहे भी ऊपर उठना तो कोई भी सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आती कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए। दूसरा इंसिडेंट आपको दिया गया है लखा सिंह का, जो कि मेरठ के नजदीक एक गांव में रहता है, और उसकी फैमिली में भी 8 मेंबर्स हैं। सेम सिचुएशन उसकी भी है, उसकी वाइफ सारा दिन ईंधन के लिए लकड़ियां जुटा के लाती है, खाने पीने का सामान इकट्ठा करना, और ये लैंडलेस लेबरर है, तो सिचुएशन हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है इसकी। इसके पापा की 2 साल पहले डेथ हो जाती है, जो कि वो ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे, टीबी के मरीज थे, तो मेडिसिनल फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती तो डेथ हो जाती है, और अब माँ भी उसी सिचुएशन से सफर कर रही होती है लखा सिंह की। इसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल है सरकारी, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, लेकिन छोटी सी उम्र में ही इसको काम में लगना पड़ता है गरीबी की वजह से, तो ये वहां नहीं जा पाता। और आगे चलकर इसके बच्चों का भी यही हाल है कि उनको भी एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया ये प्रोवाइड करने में असमर्थ है। तो क्या चीजें देखी आपने, लैंडलेसनेस है, फैमिली का साइज बिग है, मेडिसिनल अगर आप बात करें तो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि फैमिली में एक आदमी काम कर रहा है। तो ये सब चीजें किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये सब इश्यूज हैं किससे रिलेटेड हैं, हमारे पॉवर्टी से रिलेटेड है। इन स्टोरीज से आपको क्या पता चला कि डायमेंशन आप कह सकते हैं कि पहलू कौन कौन से होते हैं पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल, या आप कह सकते हैं कि कौन से इश्यूज हैं जो पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है लैंडलेसनेस, अगर जमीन नहीं है तो काम कहाँ करेंगे, इनकम नहीं आती, काम दूसरी जगह भी अवेलेबल नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिली बहुत बड़ा है, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत होती है जो कि हो नहीं पाती है। अब इलिटरेसी, अनपढ़ता, अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो कहीं टर्शियरी सेक्टर में जाके भी एक अच्छी जॉब लेके इनकम को इम्प्रूव कर सकता है, बट इलिटरेसी है वहां पर ये सीन भी क्रिएट नहीं होता। पुअर हेल्थ कंडीशन, क्योंकि सारा ही कुल मिलाकर इनकम के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, तो वो हेल्थ फैसिलिटीज भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो रही हैं। और अगर आप माल न्यूट्रिशन कहें तो फैमिली को भर पेट और पोषित भोजन नहीं मिल रहा है, तो माल न्यूट्रिशन भी क्या हो जाता है, पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हेल्पलेसनेस, मजबूरी, सबसे बड़ी चीज कि सिर्फ फिजिकल एफर्ट्स लगा सकते हैं और कुछ नहीं है उनके पास, ये सबसे बड़ी चीज है पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए। आई होप कि आपको ये सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमारे लिए
क्यों है, गरीबी रेखा किस तरीके से तय होती है, कौन उसको तय करता है, इंटरनेशनल लेवल पर गरीबी रेखा का क्या डायमेंशन रखा गया है, और डायमेंशंस क्या है पॉवर्टी के, और एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ दैट इज रामशरण एंड लखा सिंह. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं. टिल देन कीप वॉचिंग.